हेलो गाइस, सो फाइनली MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रूम का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Redmi 5A में MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रूम का अपडेट कब तक आने वाला है, किस बैच में आने वाला है और क्या कुछ फीचर्स आपको MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रूम के साथ में देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो गाइस, शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो Redmi Y2 डिवाइस है उसमें MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम का अपडेट आ चुका है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो MIUI 10.0.1.0 का अपडेट Redmi Y2 यूजर्स को मिल चुका है। बट गाइस, ये जो अपडेट अभी कुछ रैंडम यूजर्स को ही मिला है, Redmi Y2 डिवाइस यूजर्स को तो सभी को नहीं मिला। सो गाइस, सभी Redmi Y2 यूजर्स को 4-5 दिन में मिल जाएगा। सो थोड़ा सा वेट करें Redmi Y2 यूजर्स, ठीक है। तो गाइस, हम बात कर लेते हैं Redmi 5 में MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम का अपडेट कब तक आने वाला है। सो गाइस, जो Redmi 5 है डिवाइस है उसमें MIUI 10 का स्टेबल रोम का अपडेट आने वाला है सेकेंड बैच में। होगा जो सेकेंड बैच है वो रोल आउट होगा मिड अक्टूबर से, यानी कि गाइस नेक्स्ट मंथ 15 से 20 तारीख के बीच में सेकेंड बैच के जो सभी डिवाइसेस हैं, और सेकेंड बैच में Redmi 5 डिवाइस का भी नेम है, तो 15 से 20 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। बट गाइस, मैं आपको बता दूँ कि MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम का जो अपडेट है वो 15 से 20 तारीख के बीच में रोल आउट होगा, तो 25 अक्टूबर तक सभी यूजर्स को दे दिया जाएगा। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रूम के अपडेट से पहले Redmi 5 में एक और अपडेट मिल सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन सा अपडेट मिल सकता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी है, आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आपको बहुत ही जल्दी MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम का अपडेट देखने को मिल जाएगा Redmi 5A में। अब गाइस, बात कर लेते हैं कि Redmi 5A में MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम के अपडेट के साथ में क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर जो आपके सभी साउंड्स हैं, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड और बाकी की सभी साउंड्स को चेंज कर दिया जाएगा, एकदम न्यू साउंड आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस, अगर आप वेट कर रहे थे पोर्ट्रेट मोड का, सो गाइस फाइनली आपको पोर्ट्रेट मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा MIUI 10 के ग्लोबल स्टेबल रोम के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस, अगर आप वेट कर रहे थे फुल स्क्रीन गेस्चर्स का, तो गाइस फुल स्क्रीन गेस्चर्स Redmi 5A में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे ये तो कंफर्म नहीं है। बट गाइस, अगर आप वेट कर रहे थे फेस अनलॉक का, तो गाइस फेस अनलॉक का मैं आपको बता दूं कि MIUI 10 के ग्लोबल स्टेबल रूम के अपडेट के साथ में आपको फेस अनलॉक नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको एक दो अपडेट बाद में मिले MIUI 10 के, बट गाइस MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रूम के साथ में आपको Redmi 5 में फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, आपको पोर्ट्रेट मोड का फीचर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि Redmi 5 में MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रूम का अपडेट कब तक आने वाला है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लेना। गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।